स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। पिछले लेक्चर नंबर 43 में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी। थर्मोडायनामिक्स में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इनफैक्ट आपको बताया था कि जब भी आपने किसी एक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, DU, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर एनी प्रोसेस, तो आप कैसे कैलकुलेट करते हो? सीधा सा फॉर्मूला लगा दीजिए आंखें बंद करके, MCV dT। ठीक है, MCV dT लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नीचे आप देख लीजिए क्लिक करके। ओके, इसको आप दिमाग में बिठा लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल्स आपके जो हैं उनमें ये यूज़ होती हैं ये चीज़ें। ओके, आज हम बात करते हैं एक ऐसी प्रोसेस की जो कि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे नहीं, कॉन्स्टेंट प्रेशर के ऊपर हो रही है। कॉन्स्टेंट प्रेशर पर प्रोसेस हो रही है और सिस्टम हमारे पास, अगेन वैसे ही हमने लिया, नॉन फ्लो सिस्टम लिया, यानी कि क्लोज सिस्टम प्रोसेस लिया। ठीक है जी, तो अब देखते हैं जरा उसमें क्या हो रहा है, स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अगेन हम लिख रहे हैं, डेल क्यू इज इक्वल टू DU प्लस डेल W। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, फॉर अ प्रोसेस। और ये कोई भी प्रोसेस क्यों ना हो, रिवर्सिबल प्रोसेस है या इरिवर्सिबल प्रोसेस है, सबके ऊपर ये एप्लीकेबल है, ये भी आप जानते हो। पिछली बार भी मैंने आपको समझाया था पिछले लेक्चर में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एप्लीकेबल टू एनी प्रोसेस ये है, हीट ट्रांसफर कितना हुआ उस प्रोसेस में, वर्क ट्रांसफर कितना हुआ उस प्रोसेस में, और इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया उस प्रोसेस में, फाइनल माइनस इनिशियल। ये प्रॉपर्टी है, इसलिए डी लिखा, या पॉइंट फंक्शन, ये पाथ फंक्शन है क्यू और डब्ल्यू, इसलिए डेल लिखा। ये भी आप अच्छे से अब जानते हो क्योंकि पहले बहुत बार डिस्कशन हो चुकी है। ओके, एक तो ये चीज बनती है, दूसरा हमारे पास देखो जरा ध्यान से, ये जो डेल डब्ल्यू है वर्क ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर इन एनी प्रोसेस, ठीक है जी, वो PdV के बराबर होता है, P into dV, चेंज इन वॉल्यूम। बट दिस इज कंडीशनल, कंडीशनल क्या है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के ऊपर ही काम करता है, इरिवर्सिबल की बात हम नहीं करते। क्लोज सिस्टम रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि नॉन फ्लो रिवर्सिबल प्रोसेस के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है, ये मैंने आपको जब डिराइव करके बताया था, ठीक है, उसमें आपको कंडीशन साथ में समझा दी थी, कंडीशंस क्यों आई, कैसे आई, सब कुछ बताया था। तो यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास रिवर्सिबल ही है जी प्रोसेस। चलो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए फिर डेल क्यू कितना हुआ, डेल क्यू फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस कितना हुआ, फिर देखो डेल क्यू इज इक्वल टू DU प्लस PdV, डेल W की जगह हम पुट कर देंगे PdV, अगर रिवर्सिबल ही है हमारे पास प्रोसेस तो PdV, ये बन जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एप्लीकेबल टू रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, चलो ये रिवर्सिबल के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। ठीक है, जरा साइड में देखिए, सपोज हमारे पास एक टर्म है प्रेशर इंटू वॉल्यूम, P into V, ठीक है, सिस्टम का कुछ प्रेशर है, सिस्टम का कुछ वॉल्यूम है, दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए तो P into V कुछ हो गया ना। अच्छा, उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं D of PV, सो ये क्या होगा, मैथमेटिक्स में जो हम UV फॉर्मूला लगाएं डिफ्रेंशिएशन का, वो क्या आ जाएगा, पहले PSH डिफ्रेंशिएशन ऑफ V प्लस VSH डिफ्रेंशिएशन ऑफ P, ठीक है जी, यही तो बनेगा ना। ओके, तो यहाँ पर देखो DPV इज इक्वल टू PdV प्लस VdP, यहाँ पे PdV हमारे पास ऑलरेडी है, PdV, तो ये किसके इक्वल हुआ फिर, PdV, ये हमारे पास बन गया डिफ्रेंशिएशन ऑफ PV माइनस V into DP, ठीक है, ये टर्म हम इधर ले आए, डिफरेंशिएशन ऑफ PV प्रोडक्ट का माइनस VDP, ये आ गया। यहाँ पर ये चीज़ हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास डेल क्यू बनता है DU प्लस PdV की जगह हमने लिख दिया डिफरेंशिएशन ऑफ PV माइनस VDP, ठीक है जी, ऑल राइट। अच्छा, अब हम लेते हैं कंडीशन की, हमारे पास जो प्रोसेस हुई है रिवर्सिबल प्रोसेस थी, क्लोज सिस्टम की प्रोसेस थी, दो बातें तो थी, लेकिन अब तीसरी बात और जोड़ दी हमने कि जो हमारे पास प्रोसेस हुई है, ध्यान दीजिए, वो क्या हुई है, वो हुई है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर प्रोसेस है, यहाँ लिख देते हैं इफ प्रोसेस इज फर्दर एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हमारे पास डेल क्यू क्या बन जाएगा फिर, डेल क्यू को हम लिख सकते हैं डेल क्यू एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, मैंने पी लिख दिया, इसका मतलब है जो भी हम हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, चाहे हीट निकाल रहे हैं चाहे हीट दे रहे हैं, वो कॉन्स्टेंट प्रेशर के ऊपर दे रहे हैं, सिस्टम का प्रेशर चेंज नहीं होगा प्रोसेस में, हीट हम दे देंगे या हीट उससे निकाल लेंगे। सो दिस इज इक्वल टू नाउ DU, देखो DU प्लस DPV
पीवी प्रोडक्ट का माइनस वीडीपी। अब कांस्टेंट प्रेशर है तो डीपी कितना हुआ, फिर चेंज इन प्रेशर तो जीरो हुआ प्रोसेस में, क्योंकि प्रोसेस जब चली वन से टू तक प्रेशर कांस्टेंट रहा। इसका मतलब ये सारी टर्म क्या हो गई, खत्म हो गई, माइनस जीरो बचता है। यहाँ हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में बिकॉज डीपी इज जीरो, चेंज इन प्रेशर इज क्योंकि जीरो है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए। तो देखिए ध्यान से, डी यू प्लस डी ऑफ पी वी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं डी ऑफ यू प्लस पी वी, ऐसे लिखा जा सकता है ना। ए प्लस बी का डिफरेंशिएशन, ए का डिफरेंशिएशन प्लस बी का डिफरेंशिएशन हमने इकट्ठा करके लिख दिया, तो दिस इज इक्वल टू डी ऑफ, ध्यान दीजिए मैंने पिछले लेक्चर्स में अभी रिसेंटली बताकर आपको मैं हटा हूँ कि यू प्लस पी वी एक ऐसी टर्म है जो हमारे पास थर्मोडायनामिक्स में बार बार कई बार आती है, इसलिए हम उसको अलग अलग कैरी करने की बजाय एक टर्म से लिख देते हैं जिसको हम कैपिटल एच बोलते हैं। यू प्लस पी वी इज इक्वल टू एच, ठीक है, मैंने आपको अच्छे से समझाया था यू प्लस पी वी इज इक्वल टू एच, जिसका नाम है एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। सो यू प्लस पी वी की जगह आ गया आपके पास एच, बिकॉज एच इज नथिंग बट यू प्लस पी वी, इसी टर्म का नाम तो एच है, ठीक है जी। सो डेल क्यू एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ध्यान दीजिए हमारे पास बन रहा है डेल क्यू, जितनी भी हम हीट दे रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, दैट इज इक्वल टू डी एच। तो ध्यान दीजिए जरा जल्दी से, डेल क्यू एट पी कांस्टेंट पी इज इक्वल टू डी एच, याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जबरदस्त चीज है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब भी आप कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट ऐड करोगे, ठीक है, नॉन फ्लो प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर आप हीट ऐड करते चले जा रहे हो, तो होगा क्या, उससे डी एच दैट मीन्स एंथैल्पी में चेंज आना शुरू हो जाएगा, एंथैल्पी राइज मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप हीट दोगे, हीट निकालोगे, एंथैल्पी कम होगी, हीट बढ़ाओगे तो, हीट दोगे तो एंथैल्पी बढ़ेगी। समझने वाली बात यह है कि जितनी हीट दोगे सारी की सारी एंथैल्पी बढ़ाने में यूज होगी, एंथैल्पी इंक्रीज करने में यूज होगी, अगर हीट निकालोगे सारी की सारी एंथैल्पी कम करने में यूटिलाइज होगी। ये इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है, डेल क्यू एट कॉन्स्टेंट पी, जब भी आप हीट ऐड करते हो कॉन्स्टेंट प्रेशर के ऊपर, तो वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू एम सी पी डी टी। ये भी आपको पता है, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको एक्सप्लेन किया जब एम सी वी डी टी की चर्चा की, उससे पहले भी चर्चा हो चुकी है पहले। डेल क्यू एट कॉन्स्टेंट पी, डेल क्यू का मतलब है हीट ट्रांसफर, चाहे हीट दे रहे हो चाहे हीट निकाल रहे हो, वो एम सी डी टी के बराबर होगा, एम सी डी टी जब फेस चेंज नहीं होता, ठीक है ना। तो यहां पर कॉन्स्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट ट्रांसफर कर रहे हो, तो सी कौन सा बन जाएगा, कॉन्स्टेंट प्रेशर के ऊपर, जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ध्यान दीजिए, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एम सी पी डी टी, एम मास, डी टी चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो ये तो वैल्यू बनती है इस चीज की, डेल क्यू एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, दिस इज इक्वल टू डी एच, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू डी एच। एक ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपने याद करना है, जैसे ये हमारे पास एक फॉर्मूला आया था, दूसरा फॉर्मूला बन रहा है डी एच का, डी एच इज इक्वल टू एम सी पी डी टी। जब इंटरनल एनर्जी में चेंज फाइंड करना है एम सी पी डी टी लगाइए, जब एंथैल्पी में चेंज फाइंड करना है एम सी पी डी टी लगाइए। सी पी और सी वी तो गैस की आपको वैल्यूज पता ही होती हैं कि कितनी है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको आपने याद करना है। इसमें मैंने आपको एक नई चीज क्या बताई थी कि डेल क्यू जो आपके पास हीट ट्रांसफर है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, वो हमेशा चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या बताया कि जो आपके पास हीट ट्रांसफर है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, वो हमेशा चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होती है, ठीक है जी। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच।